कोई भी जंगल में किसी भी बाघ की खोज में जाना हमारे लिए एक मैच खेलने जैसा होता है और इसमें हमेशा बाघ की जीत होती आई है। हम जितनी बार भी जंगल गए हैं उसमें हमेशा बाघ दिखा है, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ, पर इस बार एटलीस्ट मैच टाई होने के करीब थी। ये जंगल सफारी उस मैच की आखिरी मैच थी और हम पूरे जोश में मैदान में उतरे थे। सब जगह अफरा तफरी का माहौल था। पर इसके एक दिन पहले की बात है जब हम लगातार 3 बार जंगल जा चुके थे और हमें एक बार भी बाघ नहीं दिखा था। ये हमारी 4थी राइड थी, इसलिए हमने एक रणनीति बनाई। हर दिशा से, हर जगह से आने वाली हर छोटी मोटी आवाज पे हम सतर्क थे। हमारी नजरें चौकन्नी थी और हमने पूरे जंगल में एक नेटवर्क सा, एक जाल सा बिछाया था और उसका नतीजा हमारे सामने था। वो बाघिन हमारे सामने थी और अब स्कोर 3-1 था। असली गेम की शुरुआत अब हुई थी। चलते चलते उस बाघिन ने हमें सिर्फ एक बार मुड़ के देखा। ऐसा लगा कि वो कुछ हमें कहना चाहती है। ध्यान से देखने के बाद ये पता चला कि वो शिकार के मूड पे थी और अगर हमने बाघिन को शिकार करते हुए कैप्चर कर लिया तो ये हमारे लाइफ की सबसे बड़ी जीत थी, इसलिए उसका पीछा करने की शुरुआत की। गाइड हमारा अनुभवी था, इसलिए उन्होंने सही अनुमान लगाया था कि ये बाघिन शायद डैम की तरफ जाएगी और हम उस दिशा में बढ़ने लगे। हमारे बीच एक जुगलबंदी की शुरुआत हुई। कुछ देर के बाद एक मोड़ पे हम रुक गए जहां हमें एक मेल टाइगर के पगमार्क दिखे। ये हमारे लिए एक बढ़िया मौका था जहां हमें एक साथ 2 टाइगर दिखने की संभावना थी। अब गेम और इंटरेस्टिंग हुआ। पर इस सोच में हमारा कुछ वक्त बर्बाद हुआ और जिस बाघिन का हम पीछा कर रहे थे वो हमसे कहीं आगे चली गई थी। अब राइड का समय भी हो चुका था, इसलिए हमें जंगल से वापस आना पड़ा। अब हमारी सिलेरी गेट पे ये सेमीफाइनल मैच यानी कि 5th राइड थी और अगर हम इसमें टाइगर को नहीं ढूंढ पाए तो हम पूरी पेन सीरीज हारने वाले थे। कुछ भी हो पर अभी हम एक और कॉन्फिडेंट खिलाड़ी थे और इस वहम में थे कि टाइगर तो हम ढूंढ ही लेंगे। इधर उधर ध्यान देने के अलावा जो हमें नहीं करना था वो सब कुछ हम कर रहे थे। हम बेफिक्र हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि ये मैच हम हारने के कगार पे है। क्या हुआ रोहन? अरे मैं ऐसे करते कि गैस ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया, पर जितने भी एफर्ट्स लगाए वो कम थे। ये मैच हम हार चुके थे और 6 मैच की ये सीरीज में अब स्कोर 4-1 था। ये हमारी फाइनल मैच यानी कि 6th राइड थी और जगह थी चोर बाहुली गेट। जंगल के इस छोर पे आज तक बहुत कम टूरिस्ट को बाघ दिखा है, तो हमारी हार तो पक्की थी। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर चले गए हम एक टी पॉइंट पे रुक गए जहाँ पे हमारे राइट और लेफ्ट दोनों साइड से अलार्म कॉल चल रहे थे और ये बढ़िया संकेत था।
हमारा गाइड और एक दूसरे व्हीकल का गाइड का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था। उसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम राइट साइड जाएंगे और वो लेफ्ट साइड जाएंगे। इसमें एक रिस्क थी, अगर लेपर्ड या टाइगर कोई भी जंगल से बाहर आता है तो कोई ना कोई व्हीकल उसे मिस करने वाली थी। जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुंचे, कॉलिंग अचानक से बंद हो गई, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम वापस टी पॉइंट की तरफ बढ़े। उस वक्त वो दूसरी व्हीकल भी वहां आ चुकी थी और उन्होंने बताया कि वहां पे भी कॉलिंग बंद हो गई है। जब हम ये सब डिस्कशन कर रहे थे तो जंगल में से डियर का कॉलिंग सुनाई दिया और हम अलर्ट हो गए। हम उस दिशा की तरफ बढ़े। उस टी पॉइंट से करीब 500 मीटर पे कॉलिंग चल रही थी। हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे। बस कुछ ही वक्त हुआ था, हमने फिर से उस पॉइंट से करीब 800 मीटर की दूरी पे एक सांबा डियर की कॉलिंग सुनी। ये लोकेशन छोड़ के वहां जाना एक बड़ी गलती हो सकती थी, पर हमने सुना था कि सांबा डियर तब भी कॉल करता है जब वो अपनी आंखों से बाघ या किसी खतरे को देखता है। बस हमने रिस्क ली और रोड से सीधा आगे बढ़े, और जो हमने देखा वो एक जैकपॉट था। हमारे सामने उसी वक्त एक बाघिन रोड क्रॉस कर रही थी। बस कुछ ही सेकंड की देरी अगर होती तो शायद ये कहानी हम आगे नहीं बता पाते हैं। पर एक दिक्कत थी, सामने डैम का पानी था और हम टाइग्रेस का पीछा नहीं कर सकते थे। पर अब हम पक्के खिलाड़ी थे और हमारे साथ जो गाइड था वो भी होशियार था, उसे सब जंगल का नक्शा पता था। हमने सोचने की शुरुआत की और इसमें ये नतीजा निकला कि अगर हमको वो बाघिन के एग्जैक्ट सामने जाना है तो हमें यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक पहाड़ी थी। बाघिन का स्पीड भले ही हमसे कम था पर उसे डिस्टेंस भी कम कवर करना था। ये सब कहानी हमने दूसरे व्हीकल को बताई और हम दोनों पहाड़ी के उस साइड जाने के लिए साथ में निकले। कुछ देर में हम वहां पे पहुंचे और शांति से बैठ गए। सिर्फ एक या दो बार हमने कुछ डियर की कॉलिंग सुनी और बाद में वो बंद हो गई। बहुत सारे सवाल आए कि वो बाघिन वापस तो चली नहीं गई, या वो कहीं बीच में बैठ गई होगी, या उसने कहीं शिकार किया होगा। ये सब जब चल रहा था तब बिना कुछ आहट किए कुछ पेड़ों के बीच में से अचानक वो हमारे सामने आई। वो T66 थी, यहाँ की फेमस टाइग्रेस। हम वही थे, बाघिन ने रास्ता बदला और वो जंगल में फिर से गायब हो गई। हम मेन रोड पे वापस आ गए। आसपास ही थी वो हमारे, पर ढूंढ नहीं पा रहे थे। तब जंगल से जोरदार कॉलिंग की शुरुआत हुई। सब जानवर डरे हुए थे, उन्हें पता था कि वो यहाँ पे क्यों थी, वो किसी मकसद से थी। तो
अरे मागी मागी दिमाग के अंदर जंग सी चिढ़ गई। क्या होगा वो मकसद? शिकार? नहीं, शिकार पे बाघ ऐसा नहीं करते। वो दबे पांव आगे बढ़ते हैं, वो छुपते हैं। पर ये ऐसा नहीं था। वो बिंदास आगे बढ़ रही थी और सभी जानवर उसे देख चुके थे। तभी गाइड ने बोला, ये शिकार करेगी। ग्रास पे हिलती हुई पूछ, बस वो एक ही साइन था और मकसद क्लियर था। टेक्निकली हम पेन सीरीज हार गए थे, पर किसी ने कहा है कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।